Hello everyone, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Mobson MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for a MAT 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about the data sufficiency questions, practice questions. So guys, आपको पता है कि DS के questions काफी important है, because DS के चार questions तो NMAT में आते ही, and it is extremely scoring section, but दिक्कत क्या है, बच्चों को rules नहीं पता होते, and बच्चे उतना अच्छे से practice नहीं करते, that is why आने के बाद भी बच्चों के questions गलत होते हैं, and you know कि quants में cut off निकालना कितना difficult होता है, तो DS के questions अगर आप अच्छे से कर लो, आपके चारों क्वेश्चन सही है तो क्लच हो जाएगा। और ये वाला वीडियो आपने अगर अच्छे से देख लिया तो आपका पूरा चांस है कि आप चारों क्वेश्चन सही करके आओगे, बिकॉज यहाँ मैं आपको पहले कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा स्टार्टिंग में जो आप गलती करते हो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर दो गाइस, लाइक करने से वीडियो ऊपर जाएगा, काफी लोग हेल्प जाएगी, बिकॉज काफी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर दो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज होने वाले हैं मेनली कंटेंट बेस्ड फॉर नॉन कैट एग्जाम्स, ठीक है, तो आपका बहुत हेल्प होने वाला है, कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो गाइस, सो गाइस एक इंपॉर्टेंट न्यूज, हम लोग एनमेट के मॉक्स लाइव हो चुके हैं सारे, ठीक है, 11 मॉक्स लाइव हैं, 12th मॉक लाइव हो जाएगा कल तक, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, क्लोजेस्ट मॉक है, प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग की एमबीए कॉम्पिटिटिव सीरीज भी है, इससे आपको काफी मदद पड़ता है, पिक एनी 3 पिक एनी 4, तो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो वी आर चेंजिंग सम मॉक्स ऑफ आवर नेट एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, 99% मॉक्स अपने एज पर द पैटर्न ही है, बट इस बार कुछ क्वेश्चन और आए एनमेट में अच्छे, वी वॉन्ट की बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका बने, That is why we have started changing the mocks, ठीक है, and some mocks हम लोग के दो तीन दिन में सब अपडेट हो जाएंगे mocks, ठीक है, कुछ कोई इशू नहीं। चलो guys देख लेते हैं। तो guys DS में basically क्या होता है कि आपको पता है कि एक main question होता है और उसके कुछ statements होते हैं, around दो statements होते हैं, आपको क्या होता है कि जो main question होता है DS में और जो statements होते हैं, आपको एक एक statement देख के एक जो question आपका होता है उसके answer आपको निकालना होता है, ठीक है। तो आपको basically इसमें rule क्या होता है कि इसमें आपके पास answer choices क्या होते हैं, आपको ये बताना होता है basically कि आपका जो आंसर निकलना है वो कौन से स्टेटमेंट से निकल जाएगा, ठीक है। मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि यूनिक वैल्यू होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट आप ले रहे हो उससे आपको यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है, ये मेन चीज है। अगर डबल वैल्यूज आ रही तो गड़बड़ हो जाएगा वो। तो आपको रूल क्या होता है इसका बेसिकली, जैसे कोई क्वेश्चन आया आपको पहला स्टेटमेंट चेक करना है पहले, उससे आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, तो सही है, वो स्टेटमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। जो दूसरा स्टेटमेंट चेक किया उससे भी अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, अगर इसको उल्टा बोले दोनों से आंसर आपका नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं आ पाएगी, उसके से आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, दोनों स्टेटमेंट्स को, ठीक है, फिर आप देखो दोनों कंबाइन करके अगर यूनिक वैल्यू आ रही तो ठीक है, ठीक है। तो गाइस बेसिक चीज बताई, सबको बताइए कि इसको कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं थी। अब आते हैं कि एग्जाम्पल में, अब यहाँ पे देखो डीएस के दो टाइप्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में क्या होता है, आपको एक वैल्यू पूछेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपका यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए एक स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, मतलब डबल वैल्यूज नहीं आ सकती, मतलब ऐसा अगर है, मान लो अगर पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और पहला स्टेटमेंट आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स की दो वैल्यू आएंगे 2 एंड 3, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके दो वैल्यूज नहीं आ सकती, ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू पूछोगी तो आपकी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, और अगर दूसरे स्टेटमेंट दिया गया है एक्स x माइनस 4 इक्वल टू 0 ऐसा दिया है कुछ, तो आप बता सकते हो x इक्वल टू 4 है, तो मतलब x की वैल्यू 4 आ गई आपकी, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा वैलिड। तो पहला स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही काट दोगे क्योंकि यहाँ पे आपके दो वैल्यूज आ रही है। तो पहले रूल हमने क्या पढ़ा कि किसी भी स्टेटमेंट से अगर दो वैल्यूज आ रही है तो गड़बड़ है, वो आपको नहीं लेना है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। आप दोनों स्टेटमेंट को गैस हमेशा इंडिपेंडेंटली फॉलो करोगे, ठीक है, आप पहला स्टेटमेंट देखो इसको भूल जाओ, सेकंड को इससे क्या वैल्यू आ रही है इसकी 2 और 3, तो दो वैल्यू पॉसिबल नहीं ना, एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तो गड़बड़ हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4, हाँ एक्स इक्वल टू 4 में एक यूनिक वैल्यू हमारा आ गया, तो ये पहला रूल है। तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, इसमें आपको एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही होता है न्यूमेरिकल का। अभी आते हैं हम लोग यस एंड नो टाइप क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको यस एंड नो में आंसर देना होगा, ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछता है वो इज एक्स ऑड, क्या एक्स ऑड है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग गलती करते हैं इसमें, अगर आपका एक्स इक्वल टू 4 है, आप देखो गाइस यहाँ पे क्या है कि यस नो में ना, यस नो में अगर आपका आंसर यस आ रहा है या नो आ रहा है, आपका आंसर तो आ ही रहा है ना, अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका वो होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका हर एक स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है। अब देखो ऐसा होता है कि कई जगह आपको रूल्स अलग मिलेंगे, बट जीएमएट और एनमेट यहाँ पे रूल सेम होते हैं, और एक्चुअली बात यही है कि आपका डेटा सफिशिएंसी कहता ही यही है कि आपको वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है,
आपको बस बताना है कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस आंसर देना है कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछा क्या गया है, एक्स ऑड है कि नहीं, तो आपका आंसर किसमें आएगा, येस में आएगा या नो में आएगा, होगा या नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है पूरा, इसके बाद हम दूसरे नहीं देखेंगे। एक्स इक्वल अगर फोर है तो हमारा क्या है, हमारा एक्स इवन है, एक्स ऑड नहीं है, तो एक्स ऑड नहीं, यहाँ पे आंसर नो आया। फिर हमारा क्या है, एक्स हमारा फाइव मान लो है दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, यह हमारा एक्स इवन है, यह हमारा एक्स ऑड है, और हमारा आंसर आ गया यस, क्योंकि पूछा गया एक्स ऑड है। तो पहला स्टेटमेंट लिया हमने तो नहीं है ऑड, दूसरा स्टेटमेंट लिया तो ऑड है। तो गैस ऐसे क्वेश्चन में दो आपको लगेगा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट जीमैट के अकॉर्डिंग ये सही होता है, ठीक है। जीमैट ये बोलेगा कि आपके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा जो जीमैट बोलेगा करना आपको वही, बिकॉज जीमैट जीमैट की है। और एक्चुअली देखा जाए तो होना भी यही चाहिए, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट माने गए हैं, और इंडिपेंडेंट मानेगा तो इंडिपेंडेंट मानो ना उनको। फिर आप जब फर्स्ट देख रहे हो, सेकंड देखो, मतलब फर्स्ट से आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है नो, ठीक है। हमारा आंसर क्योंकि येस नो में आना है ना, तो नो आ रहा है हमारा, ठीक है। सेकंड में क्या है, एक्स इक्वल टू फाइव, हमारा आंसर यस आ रहा है क्योंकि ऑड है एक्स, बस हमारे दोनों से आंसर आ रहा है ना, हमें वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू के लिए यूनिक चीज है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो रही चीज, ठीक है, ये चीज है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी यस नो में आंसर आएगा तो आपका नो यस 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 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, बहुत ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो गाइस ये मेन चीज थी। अब एक दूसरी चीज बताऊं अगर मैं आपको, इसमें एक गलती बच्चे करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 लिखा है और एक्स इज इक्वल टू रूट 64, बहुत ध्यान देना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, पहला एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर इज गिवन है 64 एंड एक्स इक्वल टू रूट 64। सेकेंड, सो गाइस व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 देन एक्स कैन टेक 8 एंड माइनस 8 बोथ, बोथ द वैल्यूज एक्स कैन टेक, ठीक है। इफ दिस इज रिटन देन एक्स कैन टेक माइनस 8 एंड 8 दोनों बोथ, बट व्हेन एक्स इक्वल टू रूट इज गिवन बिकॉज रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इन दिस केस यू विल गेट ओनली वन वैल्यू 8। सो गाइस फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन नॉट से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बट फ्रॉम सेकंड वी कैन से वैल्यू ऑफ एक्स इज 8, सो ओनली सेकंड विल फॉलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मैनी स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक इन दिस, ठीक है, सब लोग सोचते हैं दोनों से 8 आएगा, गलत हो जाएगा। आपका पहले से 8 माइनस 8 8 दोनों आ रहा है और दूसरे से आपका 8 आ रहा है, ठीक है, गलत हो जाएगा वरना। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर एक स्टेटमेंट से दो वैल्यूज आ रही हैं तो फिर वो यूनिक नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब काफी लोग कोई पिंग आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ एक चीज और, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप उसमें दिमाग मत लगाना, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है मैट जीमैट में, तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्टरी होता है जीमैट के अकॉर्डिंग, या आपको छोटे मोटे बैंकिंग में मिल जाएगा। अगर आपसे पूछता है एक्स वैल्यू क्या है, पहला स्टेटमेंट दे रहा है आपको एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा दे रहा है एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो गाइस जब भी एक्स निकालोगे और एक्स यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो बेसिकली जीमैट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा कि दोनों वैल्यू अलग है। पहली बात तो यह है कि ऐसा क्यों नहीं होगा, बिकॉज जीमैट डेटा सफिशिएंसी इज बेसिकली नॉट ओनली फाइंडिंग द वैल्यूज, आपको बस ये देखना कि वैल्यू निकलेगी कि नहीं। तो यहाँ पे आप x equal to 4 आ रहा है, यहाँ पे x equal to 5 आ रहा है, जीमैट ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कभी जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी हो, वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जीमैट अज्यूम करता है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी तो उसकी वैल्यू सेम ही आएंगी दोनों की, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कोई बहुत बड़ा मान लो क्वेश्चन है, मान लो ऐसा है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों बहुत लंबे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सॉल्व ईच क्वेश्चन, आपको बस देखना है कि एक्स वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। डीएस में ही तो करते हैं हम लोग, निकालते नहीं वैल्यू एक्चुअली, अगर आप वैल्यू निकाल लो एग्जाम में तो आपको आता नहीं डीएस करना। डीएस का मेन मोटिव क्या, आपको बताना है कि वैल्यू निकलेगी एक्स की यूनिक की नहीं निकलेगी, अगर लीनियर इक्वेशन माने तो यूनिक निकलेगी, ठीक है। तो इस दैट इज वाई जीमैट ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, और बट ये है कि अगर आप और एग्जाम देते हो वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्स 4 या 5 है तो उसको आप इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर लो, इसको पहला स्टेटमेंट मान लो हाँ ठीक है, इसको दूसरा मान लो हाँ ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, बट जीमैट में इस तरह की चीज नहीं आएगी, समझ रहे हो, जीमैट में ऐसा नहीं आएगा। जीमैट में अगर आएगा तो दोनों के लिए सेम हो रही होगी, ठीक है, जीमैट या अनमैट दोनों एक ही है, इसलिए मैं जीमैट का नाम ले रहा हूँ बिकॉज जीमैट ही बनाता है वो, और लास्ट ईयर से और अडेप्टिव हो गया तो पूरा प्योर ही है वो, ठीक है। तो अगर जीमैट आएगा दोनों के लिए बराबर आएगी 4-4, ठीक है। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैंने बताना नहीं चाह रहा था ये, इसको आप एक तरह से भूल भी सकते हो कि आपको कुछ नहीं कर रहा है एग्जाम में, ठीक है। बस आपको दो स्टेटमेंट पढ़ने का है और दो स्टेटमेंट की आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, बस ये मैं श्योर करूँगा एक ही स्टेटमेंट से दो वैल्यू आ रही है तो उसको आप सीधे रिजेक्ट कर दो, क्योंकि वो होगा नहीं, बस और कुछ नहीं करना। बाकी चलते क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये बेसिकली मेन मेन चीजें थी जो आपको बताया करनी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये ऐसे दिया गया एग्जांपल मैंने बस एक, कि यहाँ पे दो वैल्यूज एक्स की आ रही है तो यहाँ पे हमारा नहीं निकल पाएगा, तो कट गया क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 एंड 3 आ रही है, ठीक है। ये अलग है, कैन आई फिल अप द टैंक
कैन आई फिल अप द टैंक ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी। अब गाइस ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन येस एंड नो का है ना, ये क्वेश्चन वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है टैंक कंप्लीटली फिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है येस या तो नहीं हो सकता है, येस नो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपका परफेक्ट आंसर आना चाहिए, या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है ये चीज है। तो देखो पैरेलल में क्या है, आई हैव ए बकेट विच कैन एग्जैक्टली मेजर 5 लीटर्स, 5 लीटर्स अगर आप मेजर कर रहे हो तो 20 बकेट्स भर जाएंगे, 20 × 500 होता है, तो यस यू कैन फिल एक्यूरेटली। दूसरे में क्या है कि आप 3 लीटर का मग ले रहे हो तो 33 मग सही है आपको, बट आपका 1 लीटर रह जाएगा, अब वो 1 लीटर कैसे भरोगे आप, तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर नो है, एक आंसर यस एक आंसर नो है, मतलब एग्जैक्ट आंसर तो आ ही रहे ना, तो जीमैट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है यस नो वाले केस में, ठीक है, मतलब इससे भी आपका आंसर आ रहा है यस और इससे आपका आंसर नो आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट डी। तो गाइस बहुत ध्यान रखना, जब भी यस नो वाले क्वेश्चन आए आपका एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, यस आ रहा है हो रहा है, नो हो रहा है ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट एक्चुअली में होना ही चाहिए, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हो रहा है आंसर, सेकंड वाले से हो रहा है, हमारा आंसर तो आ रहा है ना, इसका आंसर हम दे रहे हैं ना, यस या नो हम दे रहे हैं आंसर, बस हमारा आ गया, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट डी आएगा मेरा, ठीक है, तो ये चीज है। चलो अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27, मतलब एक्स हमारा -3 हो सकता है, ये वाले में क्या है, एक्स हमारा 3 और -3 दोनों हो सकता है, हमने बोला जब भी दोनों का हटा दो उसको, एक्स इक्वल टू -3 मेरा हो गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्स वैल्यू क्या आएगी हमारा, इससे सही हो जाएगा, तो 1 इज सफिशियंट, ठीक है 1 इज सफिशियंट, ये मेरा हो गया, ठीक है ये मेरा रिपीट हो गया। हाँ अब आते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, अब देखो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपो है, ठीक है क्वेश्चन में टाइपो क्या है मैं बताता हूँ, क्या दिक्कत आती है लोगों के साथ, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ 3 इंटीजर्स, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा है, इंटीजर्स बोल रहा है वो, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं वो, ए बी एंड सी, ठीक है ए बी इक्वल टू 8 एंड बी सी इक्वल टू 9 है, ठीक है ए बी इक्वल टू अगर 8 है तो देखो ऐसे अगर आप करोगे तो ए और बी की इंडिपेंडेंटली देखो आप, ए बी की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है अगर आपका ए बी 8 है तो 1, 1, 8, 2, 4 ऐसे ले सकते हैं वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज हो जाएंगे ए बी की, तो हो नहीं सकता, बी सी के समय देखो आप 1, 1, 9, 3, 3 ऐसे करके आ जाएंगी, तो ये दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते, अगर इन लोगों को हम कंबाइन करके डिवाइड करो आप, ए बाई सी इक्वल टू 8/9 हो जाएगा, ठीक है तो आप ये ले सकते हो ए इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 9 ऐसे ले सकते हो, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं ए इक्वल टू 8 और बी इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 9 ऐसे हम बोल सकते हैं, तो आप लोगों का आंसर आ सकता है इस तरह, ठीक है a 8 1 आपका आंसर क्या आ सकता है a 8 b 1 c 9, बट यहाँ पे गाइस इंटीजर बोला है ना, पॉजिटिव इंटीजर बात होगी नहीं उसने, ठीक है पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं की, तो आपकी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है a इक्वल टू -8 एंड b इक्वल टू -1, ठीक है b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा ये 9 आएगा, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जब मल्टीपल पॉसिबिलिटी होंगे तो हम नहीं ले सकते ना आंसर, ठीक है तो हमारा ई आना चाहिए इसका आंसर, जहां से मैंने लिया है वहां पे उन्होंने आंसर दिया है इसका कि ए यूनिक वैल्यू निकाल दी है, बट गलत है वो, ठीक है इंटीजर्स लिखा है पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा, ठीक है मैं आपको समझा रहा हूँ बस, ठीक है तो गाइस आपको हर वैल्यूज देखनी पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू क्योंकि इंटीजर्स क्यों लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर लिखो तब तो मान लेते हैं, अगर इंटीजर लिखा है तो -1, -8 एंड आपका -9 भी तो हो सकता है और सेटिस्फाई कर रहा है वो, ठीक है तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है तो ये चीज है। अब ये देखो इन ए क्लासरूम 1 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम टू सॉल्व ए क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल विल बी सिलेक्टेड, ठीक है एक प्रोबेबिलिटी क्या है कि गर्ल सिलेक्ट होगी, ठीक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, टोटल गर्ल्स मान लो अगर टी है तो टी सी वन करेंगे अपॉन टोटल स्टूडेंट्स अगर एस है एस सी वन, ये तो करते हैं हम लोग, अगर मान लो 5 गर्ल्स हैं और टोटल बच्चे 100 हैं तो आप कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी, 5C1/100C1 करोगे ना, तो यहाँ पे क्या है पहला स्टेटमेंट देखें 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर बॉयज, अगर 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज हैं तो बाकी कितने होंगे 3/5 गर्ल्स होंगी, ठीक है 3/5 गर्ल्स होंगी गाइस, तो मतलब अगर 3 गर्ल्स हैं तो 5 टोटल बच्चे हुए, तो अब अगर 30 गर्ल्स हैं तो 50 बच्चे हुए, तो रेशियो है ना वो, तो आप कुछ भी कर लो आप 3C1/5C1 ये भी आपको 3/5 देगा प्रोबेबिलिटी, अगर आपके मान लो 30 बच्चे होंगे 50 बच्चे होंगे रेशियो में लें 30C1/50C1 ये भी आपको क्या देगा 3/5, चाहे आप 300 गर्ल्स ले लो 500 बॉयज पूरे ले लो टोटल तब भी 300C1/500C1 आपको क्या देगा 3/5, तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो गर्ल्स की, ठीक है तो इससे आपका आ जाएगा
क्योंकि टोटल 3 गर्ल्स है, टोटल अपॉन बॉयज है, मतलब ये दूंगा 3/5, मतलब 3 गर्ल्स अपॉन टोटल टोटल बच्चे स्टूडेंट्स, ये गर्ल्स हैं और ये टोटल बच्चे हैं, ठीक है, दैट इज वाई। तो गाइस ये चीज है बेसिकली, ठीक है। तो इससे आपका फर्स्ट वाला आंसर आ रहा है, काफी लोग नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट इज सफिशियंट। सेकंड, इंडिपेंडेंटली 15 ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम आर बॉयज, 15 स्टूडेंट्स बॉयज है, बाकी कुछ दिया नहीं हम लोगों को, तो हमारा कुछ नहीं आ पाएगा सेकंड से, और हमारा फर्स्ट है, जब इंडिपेंडेंटली निकाल तो हम सेकंड का यूज क्यों करेंगे, तो हमारा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। इज ए एन इंटीजर, ए इंटीजर है, इफ ए इज एन इंटीजर इज ए प्लस वन इवन, अगर ए एक इंटीजर है, इंटीजर अगर प्लस वन कुछ भी हो सकता है, ए प्लस वन इवन हुआ क्या? पहला स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली क्या है, ए प्लस टू इज एन इवन इंटीजर। अब ए प्लस टू इंटीजर होगा कब? इवन, इवन कब होगा? इवन के लिए कंडीशन क्या होती है? टू के टाइप का। और अगर ये आपका टू है, अगर आपको अब आपको इसको इवन करना है, ये बोला गया ये पूरा ए प्लस टू आपका इवन है, और अगर ये टू है तो ए क्या हो सकता? जब ए इवन होगा तभी तो होगा, ए मतलब इवन होगा तभी तो होगा, मतलब इवन हो, ए जब तक इवन नहीं होगा पूरा इवन हो नहीं सकता ए प्लस टू। ए क्या आप 2, 4, 6 -2 -8 कुछ भी रख दो, इवन होना पड़ेगा आपको। और अगर आपने अगर ए को इवन रखा है, तो यहाँ पे ए को इवन रखोगे, ए को जब इवन रखोगे तो ए प्लस वन क्या आएगा, ए प्लस वन क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा ऑड। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपको येस नो में आंसर देना है इसका। तो पहले वाले से क्या है, पहले वाले से आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली, आपका आंसर आएगा नो, ठीक है, क्योंकि आप इवन प्लस ऑड कर रहे हो ना ए प्लस वन। तो पूछ रहा है ए प्लस वन इवन है, तो नहीं है, ऑड आएगा, क्योंकि अगर ए को हम इवन लेंगे तो ये पूरा इवन प्लस ऑड हमारा ऑड देगा, तो पहले से आंसर नो आया। गाइस इस तरह के यस नो वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। सेकेंड, ए माइनस वन इज एन ऑड इंटीजर, ये आपका ऑड कब होगा? जब आपका ए ऑड हो, 3, 5, 7, 9 कुछ भी, -3 -5, अगर ए ऑड है और ए को यहाँ रख दो ऊपर, ठीक है, ऑड रख दो तो ऑड प्लस ऑड इवन आएगा, तो हाँ आएगा, ठीक है, हमारा यस हो जाएगा। तो हमारा दोनों से आंसर आ रहा है ना, यस नो में मैंने क्या बताया था, यस और नो के केस में, यस नो में बताया था हमने कि दोनों से इंडिपेंडेंटली आंसर आएगा, माना जाएगा वो, ठीक है। हमारा इससे आंसर आ रहा है नो, परफेक्ट आंसर है नो, इससे हमारा आंसर यस है, ठीक है, दोनों में हो गए, तो हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंटली सफिशियंट है डी, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशियंट डी। और गाइस यहाँ पे स्टेटमेंट्स को आप एग्जाम में पढ़ लेना, एग्जाम ये बदल जाते हैं कभी कभी, और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये मेरा आ गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर दीज। तो गाइस आप लोगों को शूलेस फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप लोगों ने कोई भी अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन के, तो आप आराम से एरिया निकाल लेते हो, बिकॉज हम किसी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा कुछ है, कुछ भी है, ये आपका 1, 5 है, ये 2, 3 है, ये 5, 4 है, मान लो ये 4, 7 है, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो डायगोनली, और इसके आप लेंथ निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसकी निकाल सकते हो और इसकी निकाल सकते हो, तो आप एक ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी की डिस्टेंस निकाल सकते हो, मतलब सबकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। सिमिलरली आप मान लो डी, मान लें ए डी सी, इसकी भी आप सबके लिए निकाल सकते हो, तो एरिया ऑफ ए बी सी आप निकाल सकते हो हीरो फॉर्मूला से, एंड एरिया ऑफ ए डी सी निकाल सकते हो हीरो फॉर्मूला से, तो दोनों का ऐड करो तो आपका एरिया निकल आएगा इसका, ठीक है, चार कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेटर भी बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो? ये मैंने समझा भी दिया, बाकी सबको पता होगा शूलिस फॉर्मूला से कैसे करते हैं इसको। तो ओनली वन इज सफिशियंट, मतलब पैरेलल सफिशियंट है, अब सेकंड के बाद इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल से दैट द ओरिजिन, तो क्या करें, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसकी, हमारा पहले से आंसर आएगी, बाकी हम इससे कुछ कर नहीं पाएंगे, तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वन से हमारा आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट हमारा हो गया, ठीक है। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ ए नंबर इज बी, ठीक है। देखो गाइस व्हाट इज द नंबर, बेसिकली क्या है कि अब अगर हमारा कोई टू डिजिट नंबर है 10x+y, ठीक है, और डिफरेंस इसका बोला गया है, मतलब मॉड लगा दो यहाँ पे, कि आपका ऐसा है, ये 10y+x है, ठीक है, मॉड ये बोला गया डी है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 9x-9y इक्वल टू डी, ठीक है। अब डी आपका 36 है, ये आपका आ गया 4। गैस मॉड मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मतलब होता है मॉड, मतलब एक्स वाई पे, इसका मतलब क्या हुआ गैस कि एक्स आपका 8 हो सकता है और वाई आपका 4 हो सकता है, ठीक है, और दूसरे केस में क्या हो सकता है, एक्स आपका यू कैन से काफी वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 84, 48, बाकी अगर आप कोई और चाहो तो और भी ले सकते हो तरीके, ठीक है। फर्स्ट वाले से तो अगर आप करो, डी आपका 36 है, ठीक है, अगर आप बाकी कोई ऑप्शन लेके चलो
मान लो आप ले लो 7 and 3, 7 आपको इसको स्क्वायर रखो 3, 7 3 and 3 7 इसको ले लो, ठीक है, ये भी है, ठीक है। तो पहले से तो काफी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। दूसरा क्या, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज 12। अब अगर सम ऑफ डिजिट्स की बात करें तो 84 और 48 दोनों आपको सम दे रहे हैं 12 का, तो मल्टीपल वैल्यूज आ रही है ना, तो वैल्यूज मल्टीपल आ रही है, तब भी हमारा एक नंबर हमको निकालना क्या, व्हाट इज द नंबर, हमको एक्चुअल नंबर बताना है, नंबर हमारा 84 48 भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज है, समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ पे हमारा आंसर दोनों से नहीं आ पाएगा, हमारा फर्स्ट से नहीं आ रहा है और सेकंड से इंडिपेंडेंटली तो आ ही नहीं रहा पहली बात, फिर दोनों से मिला के भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो गाइस हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ई, स्टेटमेंट 1 and 2 आर टुगेदर नॉट सफिशियंट, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4096 क्या होता है, पॉजिटिव लेंगे हम लोग पूरा स्क्वायर रूट है 64 आएगा एक्स, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, एक्स टू दावर 64 इज इक्वल टू 8 की और 128, इसको आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक्स टू 64 को आप अगर 8 ऐसे अगर लिखोगे नहीं, आपको यहाँ पे दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बेसिकली ये ऐसा हो रहा है कुछ, एक्स किया 32 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो दो वैल्यू जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, आपको पता है कि इस केस में दो वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगी, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे। तो इस केस में गाइस क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बेसिकली दो वैल्यूज देगा, और जब ये दो वैल्यूज देगा आपका तो फिर आपका आंसर गड़बड़ जाएगा, और ये दो वैल्यूज क्या दे सकता है, एक्स की क्या वैल्यू देगा, ये आपका एक्स देगा +64 या -64, दो वैल्यूज देगा ये, क्योंकि आप 64 की 64 करोगे तो 128 आएगा, 8 की 128 यहाँ पे करो तब भी आएगा, तो दो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है ना, ये कट गया आपका, आपका इससे आंसर आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ओनली वन सफिशियंट, ये आपका आ गया, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन, और आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1/4, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, अब वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर यहाँ रखोगे अगर वाई को, तो आपको कुछ क्वाड्रेटिक मिलेगी ना, तो क्या वैल्यू आएगी इससे, पहले से कुछ हो नहीं रहा हमारा, हम ऐसे तो एक्स की वैल्यू रख नहीं सकते, कितनी वैल्यू रख दोगे, तो पहले से मेरा आ नहीं आएगा कुछ, यूनिक नहीं आएगी वैल्यू। दूसरे देखो, एक्स बाय वाई इक्वल टू 1/2 है, तो वाई इक्वल टू मेरा क्या है 2x है, वाई 2x है हमारा, वाई 2x को अगर यहाँ रखते हैं तो तभी हमारा कुछ होगा नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 होगा, और इवन हम कंबाइन करते हैं दोनों को, कंबाइन भी करते हैं तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें 1/4 मिलेगा, बराबर मिल जाएंगे, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा आंसर मेरा इसका, ठीक है, हमारा इसका आंसर क्या आएगा सीधे, टुगेदर आर नॉट सफिशियंट, ठीक है, यही आएगा मेरा आंसर, ठीक है, जब सब कुछ फेल हो जाए तो यही आता है आंसर, ठीक है, सॉरी यार, टुगेदर नॉट सफिशियंट ये आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, ये आपका 1 है, ठीक है, बेसिकली क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको अगर हम सॉल्व करें जरा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो गैस ये आपके अगर इसको आप ब्रेक करोगे ना सबको, तो गैस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे सीख आपको फॉर्मूला मिलता है 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। और गैस ये कब हो सकता है 0, हमने आपको बताया था कई बार क्लास में बताया कि जब भी अगर कोई स्क्वायर की क्वांटिटीज एडिटिव हो उनका अगर 0 आ रहा हो, क्योंकि 2 तो चला जाएगा 0 हो जाएगा, ये तभी 0 हो सकते हैं ये पूरा फंक्शन जब अलग अलग ये सब 0 हो, मतलब आपका ए माइनस बी अलग से 0 हो, बी माइनस सी 0 हो एंड सी माइनस सी 0, तभी ये पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो हमारा पहले से क्या आया, अच्छा क्वेश्चन है ये, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आया पहले से, कहीं पे ऐसा नहीं है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, तो हमारे से पॉसिबिलिटी नहीं है ये, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये गया। दूसरे से क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2c², अगर हम ए और बी को सी भी रख दें, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2c² इक्वल टू 2c², यहाँ से भी कुछ नहीं आया, दोनों से ही कुछ नहीं आया, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, तुम्हारा सीधे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, और कंबाइन करके भी, मतलब अलग से तो आ ही नहीं सकता,
उसके अलावा कंबाइन करके भी नहीं, अलग से तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट अलग से भी लो ना तब भी आपका नहीं, बिकॉज हिट एंड रन कितना करोगे, ठीक है ये चीज़ है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज भी आ जाएगा ना। देखो वही बात होती है, कभी कभी आप लोग सेकंड स्टेटमेंट में लेते हो ना तो आप सेकंड को अलग से करते नहीं सॉल्व, आप पहले का दिमाग में रहता है आपके, ये मत करना। सेकंड अगर अलग से भी लोगे ना, सी को जितनी रखते जाओगे वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग ए बी मिलेंगे। अब दोनों कंबाइन करोगे अगर ए करोड़ बी करोड़ सी ले लो तब भी करोगे ना, तब भी आपका नहीं आएगा, आपके वन नहीं आएगा, ठीक है ये चीज है। तो गाइज ये है हमारा, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, टुगेदर आर इवन नॉट सफिशियंट, ठीक है। तो गाइज ये चीज है, बाकी तो आगे अच्छा लगा सेशन आपको। तो गाइज अभी भी टाइम है, जो लोग बाकी ढंग से करना चाहते हैं पढ़ लें अच्छे से, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा गाइज, अगर आपको तैयारी नहीं तो आप आराम से शेड्यूल करो, जल्दीबाजी मत करो, काफी लोग जल्दीबाजी में दे देते हैं एंड 229 234 स्कोर आ रहा है उनका, उनका गड़बड़ हो गया, मुंबई नहीं मिलेगा, मुंबई का कोई कैंपस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अच्छे से करो गाइज, आपके पास अगर लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो अच्छे से तो आप दिसंबर फर्स्ट वीक में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्ट्रक्चर्ड स्टडी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं अभी भी, जिसको अच्छे से तैयारी करनी है हम लोग का कोर्स देख सकता है वो, एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है लाइव, जो क्लासे हो चुकी है सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप पूरा कोर्स लाइव करोगे तो आपका हो ही नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको एक्सट्रीमली डिटेल में पढ़ाना है, और हम लोग जितना ज्यादा डिटेल में पॉसिबल हो सकता है पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब वैरायटी छोड़ ही नहीं रहे हम लोग, और किसी ने ढंग से अगर पढ़ा सबका स्कोर आएगा, कट ऑफ से निकलेगा निकलेगा सबका, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने नंबर्स की 8 क्लासें की है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के लगे 11 क्लासें की है, सब कुछ अच्छे से किया डिटेल में, और टॉपिक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं 575 पूरा GDPI 12 NMAT स्नैक के मॉक्स, काफी कुछ है गाइस, ओनली फॉर 6500, ये आपका सारा NMAT कवर करेगा एक तरह से, खाली NMAT स्नैक का पैसा नहीं है, ठीक है। तो अभी भी मौका है गाइस, अगर आपको इस बार एडमिशन लेना और अच्छे कॉलेज चाहते हो, बेस्ट ऑप्शन है ना, आप काफी लोगों देखा है मॉक्स दे देकर वो हर साल उनका ही रहता है, देर आर स्टूडेंट जो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम NMAT दे रहे हैं, और मुझे पता है इस बार भी नहीं निकलेगा उनका, उनके जिस तरह वो क्वेश्चन ग्रुप में पूछते हैं, क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता भी, वो पढ़ते नहीं उस तरह से, पहली बात तो उस तरह से पढ़ाई हो नहीं पाती सेल्फ स्टडी, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा सोर्स रिसोर्सेज गैदर करने पड़ते हैं और आपको मिल नहीं पाते एक जगह, यहाँ पे आपको सब कुछ एक जगह मिलेगा। तो गैस अभी 2 2.5 महीना कर लो, काफी लोग का रहता है कि उन्होंने काफी इन्वेस्ट कर दिया, कोई इशू नहीं है गैस, आपका कॉलेज अच्छा मिल जाए, मेन चीज वो मैटर करती है, ठीक है, वरना आपको पूरे साल अगले साल फिर आपको देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। 120 से ज्यादा बच्चे एनरोल्ड है, अराउंड 130 बच्चे एनरोल्ड है, ठीक है, और काफी अच्छे रिजल्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलो गैस, सो दिस वॉज अवर वीडियो, मुझे पिंक कलर कोई डाउट हो तो बाकी यू कैन विजिट mockzone.in, आई गेस अच्छा लगा वो सेशन, आपको दिक्कत नहीं आएगी डीएस में, बाकी तो डीएस प्रैक्टिस करने वाली बात है, और मैं फिर बोल रहा हूँ गैस, जहाँ पे लेंदी क्वेश्चन तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करो, एलजेब्रा क्वेश्चन में आप सॉल्व कर लेते हो, बट लेंदी क्वेश्चन अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आप बस आइडिया लगाओ कि यार एक्स की एक वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, जब भी आपको देखे कि एक्स क्वाड्रेटिक आ रहा है समझ जाओ कि एक्स दो वैल्यू आएंगे, वहीं से काट दो, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है लेंदी क्वेश्चन में, वैसे बहुत लेंदी क्वेश्चन इंटरनेट में नहीं आते, बट इससे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और अच्छा सोर्स यही है कि आप आपने जो मॉक्स लिए मॉक्स से एनालाइज करो, सबसे अच्छा सोर्स वही है, और ऑफिशियल गाइड से करो तो भी सही है, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।